हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार लालसन में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इको फटाके फोड़ती है ना गैस पर, भाई जो मिसिंग करती है फटाके फोड़ती है, वो क्यों फोड़ती है भाई, रीज़न क्या होता है। जैसे अपन ये बोलते हैं ना यार, अपन ने जब नई गाड़ी आई थी गैस की फिट कराते हैं जब, तो फटाके नहीं फोड़ती है, लेकिन दो तीन ऑयल पलटी या सर्विस होने के बाद में फटाके फोड़ने लग जाती, या फिर यानी थोड़े टाइम बाद में यानी छह महीने बाद में फटाके फोड़ने का प्रॉब्लम आने लग जाती गाड़ी में। तो वो मैं बताता हूँ दोस्तों, वो क्यों आती है। सबसे पहले तो आप है ना एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपको सारी प्रोसेस बता देता हूँ। जैसा आपका एयर क्लिंजर है, आपने देखा ये एयर क्लिंजर लगा दिया, जैसे कि ये लगा दिया। अब है ना, अब एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो ये देखो एक किल्पें, देखो ये देखो ये किल्पें इसकी लूज हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ये लूज क्यों होती हैं और रीज़न क्या होता है और आपकी गाड़ी फटाका फोड़ना क्यों कर देती है। चलो एक सेकेंड, तो ये होता है रीज़न। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, देखो जो आप है ना एयर फिल्टर लेते हैं ना, आप एयर फिल्टर खरीदते हैं कहीं से भी, तो आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये जो होता है ना, ये देखिए ये किनोर, ये सुजुकी है ना, ये ओरिजिनल है ना, मारुति सुजुकी का ओरिजिनल है ना, एमजीपी का। तो अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखो जो आप लेते हैं वो कैसा आता है, ब्लैक कलर का, मतलब ये सब है ना उसके है ना ब्लैक कलर के आते हैं ये सब, है ना मैं बता रहा हूँ, ये सब ब्लैक कलर के आते हैं। और उसकी जो रबर रिंग है ना, उसकी रबर रिंग आती है पतली, ये आती है, इसकी आती है मोटी। ओरिजिनल फिल्टर होता है ना जिसकी आती है ये रबर रिंग मोटी, जिससे क्या होता है इसको बिल्कुल सील रखता है। और आप जो एयर फिल्टर डालते हैं ना, जो ब्लैक कलर का आता है ये, उसकी आती है पतली रबर रिंग, जिससे क्या होता है ये एयर क्लिंजर का जो बॉक्स है ना अपना, ये लूज पड़ जाता है और ये किल्पे लूज होने लग जाती है, जिससे इसमें एयर क्या है एक्स्ट्रा एयर लेने लग जाता है, मतलब साइड से, जिस वजह से गाड़ी एकदम मिसिंग करती है, गैस प्रॉपर नहीं जा पाती है, दूसरी जगह से एयर खींचने की वजह से गैस प्रॉपर नहीं जा पाती है इंजन को, इस वजह से मिसिंग करती है, फटाका फोड़ती है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाला फ़िल्टर, क्या दोस्तों आप यूँ बोलते हैं ना यार हमने फ़िल्टर काफ़ी बार नए डाल दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने जब भी फ़िल्टर डाला आपने ये रबर रिंग पतली वाला डाला है, एक तो आता है पतली रबर रिंग वाला, एक आता है ये ओरिजिनल मोटी रबर रिंग वाला, ये डालने के बाद में आप देखना आपका एयर फिल्टर ऑटोमेटिकली काफ़ी टाइट हो जाएगा। अब आप जो डालते हैं ब्लैक कलर की पट्टी, यानी ये जो प्लास्टिक आता है ब्लैक कलर का आता है, उसकी रबर रिंग पतली आती है दोस्तों, उससे क्या होता है इसमें एयर जाने लग जाती, इससे गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए मिसिंग करने लग जाती। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये क्लिपें लूज थी ना, अब ये लगाता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ, देखो ये उठाना इसको, अब ये देखिए बैठ गया प्रॉपर, और ये प्रॉपर बैठ गया। अब जब भी आप ये क्लिपें लगाएंगे ना, देखिए टाइट लगेंगी, ये देखिए, अब ये देखिए आसानी से लगेंगी नहीं, ये दबाना क्लिपों को, ये देखो दोस्तों, ये देखिए काफ़ी टाइट हो गई, ये देखिए कितनी टाइट लग रही है, ये देखिए, और ये देखिए अब ये क्लिप, देखिए एक क्लिप है बहुत फुल टाइट हो चुकी है, हिल ही नहीं सकती ये इतनी टाइट, और ये एयर फिल्टर भी देखिए कितना, बॉक्स भी कितना टाइट हो चुका। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी गाड़ी मिसिंग या फटाके या माइलेज कम दे रही है ना, तो इस एयर फिल्टर को आपको ये ओरिजिनल वाला डालना है, वो ब्लैक कलर वाला हटा देना है इसके अंदर से, ओरिजिनल ये वाइट वाला डालना है आपको, जिसका प्लास्टिक ब्लैक कलर आता है ना उसकी रबर रिंग पतली आती है, उसकी वजह से एयर एक्स्ट्रा लेने लग जाती है गाड़ी, इस वजह से मिसिंग करती है और माइलेज भी नहीं देती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और आपको इस तरीके से ये चीज़ करनी है, आपकी गाड़ी फटाका नहीं देगी, ये प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और बता दूँ, देखो दोस्तों अगर पेट्रोल और गैस दोनों पर दे रही ना आपकी गाड़ी फटाका, तो एक चीज़ और मैं इसमें ही क्लियर कर देता हूँ वीडियो में, एक दोस्तों मैं बताऊँ, देखो ये अपनी है ना कोयल, ये होती है ये कोयल है ना, ये इनके अंदर जो वायर होता है, जैसे कि मैं आपको एक वायर निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि है ना ये वायर मैंने निकाल लिया, ईजी है। अब इसके अंदर है ना, ये देखिए यूँ देख रहा हूँ मैं, तो इसमें कहीं भी अंदर वाइट वगैरह कुछ नहीं दिख नहीं रहा। और इसी तरीके से आपको है ना ये चारों भाई मैकेनिक के जाना है, और उससे यूँ बोलना है उनको, भैया इसकी कोयल है ना इनके वायरों के अंदर से सफाई कर दो, यानी पेट्रोल या W40 वगैरह स्प्रे आती है उनसे क्लीन करवा लेना है, कि कोयलों के नीचे भी वायर जा रहे हैं अंदर, ये दोनों कोयलों के अंदर भी, और एक वायर ये रहा, चारों सिलेंडर के चारों अलग अलग है, इनके अंदर कोई भी वाइट कार्बन दिखता है आपको, वाइटनेस दिखती है या प्लग के ऊपर निशान दिखते हैं जहाँ ये लगता है, तो समझ लिया आपकी कोयल शॉर्ट बोल रही है हल्का हल्का सा, यानी वायर शॉर्ट है वो कोयल नहीं, वो जो वायर है ना उसके अंदर का वो शॉर्ट है, उसको आपको क्लीन करवाना है पेट्रोल से, इससे आपकी गाड़ी बिल्कुल फटाके नहीं फोड़ेगी, मिसिंग भी नहीं करेगी। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है गाड़ी में, बाकी सब बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये एयर फिल्टर और ये जो बताया ना इसमें प्लग वायर, सिर्फ इसके सिवा
इसके सिवा कोई भी चीज़ से यानी फटाके नहीं फोड़ती। और जो भी कोयल में भी, जैसे बताऊँ मैं क्या होता है, जब कोयल में है ना, जब अपन गाड़ी जैसे काफ़ी थोड़ा बहुत पुरानी हो जाती है ना, उसके बाद में इसकी स्प्रिंग वगैरह है ना, इसमें गेप आ जाता है प्लग में, तो ये क्या स्पार्किंग कर जाती है, या फिर जैसे कोयल का जो रबड़ होता है ना वो गर्म ठंडा होकर वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, इससे वो मिसफायर करने लग जाती है। इस वजह से क्या होता है, फटाके फोड़ती है गाड़ी। जैसे फटाके फोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाना, यानी या तो करंट की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है या फिर पेट्रोल या गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है उस मिसिंग की वजह से। इस वजह से गाड़ी एकदम फायर देती है, फटाका फोड़ती है। तो ये मैंने वीडियो में पूरी चीज़ बता दी आपको अच्छे से, ये एयर फिल्टर कौन सा डालना है, आप बिलीव करना, आप जो ये एयर फिल्टर मैंने बताया ना, आप यही डालो कंटिन्यू, आपकी गाड़ी कभी फटाके की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपकी गाड़ी में। अगर आप ये ब्लैक वाला जो आता है ना, ब्लैक कलर का, उसकी रबड़िंग पतली आती है, चाहे नाप के देख लेना, एक ये वाला ले लेना और एक ब्लैक वाला लेना, रबड़िंग हमेशा देख आप गौर करना, वो पतली निकलेगी। आपको बिल्कुल जीनियन बात बताई है मैंने, बेहतरीन बात बताई है, आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे, जितने भी इको वाले हैं सभी भाइयों का। तो वीडियो मुझे इसलिए ज़रूरी लगा बनाना, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मैकेनिकल नॉलेज जो छोटी छोटी जो पब्लिक प्रॉफिट की होती है मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।